नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, मैं हूं कुंदन जमैर। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए योगी सरकार पुरजोर तरीके से लगी हुई है, जिसका असर कोरोना के आंकड़ों में भी साफ अब देखा जा रहा है। यूपी में लगातार कोरोना के केस कम होते जा रहे हैं। अब योगी सरकार की कोशिशों का लोहा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी माना है। WHO ने यूपी सरकार के प्रयासों को सराहा है और कोरोना को रोकने के लिए गाँव-गाँव की टेस्टिंग की तारीफ भी की है। यूपी के गाँवों के गांवों में घर घर चलाई जा रही मुहिम को लेकर WHO ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में योगी सरकार की तारीफ करते हुए लिखा है कि यूपी सरकार की मॉनिटरिंग टीमों ने 97,000 से ज्यादा गांव में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग विजिट किए। पॉजिटिव आने वाले मरीजों को आइसोलेट किया जा रहा है। आइसोलेट मरीजों को दवा की किट उपलब्ध करवाई जा रही है। बिना लक्षण वाले मरीजों का वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। तो सरकार के विरोधी सरकारी काम से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे, क्या कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक सिंह का, ये आपको सुनाते हैं। योगी सरकार PR एजेंसी के माध्यम से तमाम आंकड़े छुपा ले, मगर लोगों की टूटती हुई सांसें, लोग ऑक्सीजन को तड़पता हुआ लखनऊ और पूरा उत्तर प्रदेश जिस तरीके से हालत में गुजर रहा है, योगी सरकार की निर्जलता की आज हद पार हो गई। हद इसलिए पार हो गई कि सरकार के दोनों, एक मुख्यमंत्री और एक रक्षा मंत्री, एक दूसरे के सांस में कसीदे पड़ रहे, मगर लखनऊ का जो सांसें टूट रही थी, तड़फ रहा था लखनऊ और पूरा उत्तर प्रदेश, तब कसीदे नहीं पड़े जा रहे। तो क्या हालात इतने सुधर गए हैं कि WHO ने जो तारीफ की है, वाकई ये तारीफ के काबिल है? जो प्रयास हैं, कोशिश तो बहुत अच्छी थी। पॉलिसी लेवल पर हमने चर्चा भी की, डॉक्टर PK अग्रवाल पूर्व IAS अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम चर्चा के दौरान हमने तारीफ भी की सरकार की उस पॉलिसी की, जिसमें कहा गया कि गांवों तक टीम जाएगी, स्वास्थ्य विभाग की टीम, आशा बहुएं जाएंगी, लोगों को ट्रेस किया जाएगा, पता लगाया जाएगा कि क्या कोई संक्रमण के लक्षण तो नहीं है, संक्रमण तो नहीं है। इसकी तारीफ अब WHO भी कर रहा है, लेकिन कई तरह की शिकायतें भी उस अभियान के दौरान सामने आई थी। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि इतने बड़े राज्य में हर जगह किट उपलब्ध नहीं करवा पाई सरकार, कहीं पर लैब्स था, एडमिनिस्ट्रेटिव लैब्स था, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर कहें तो ये अभियान बहुत अच्छा रहा जिसकी तारीफ WHO ने की है। नहीं, अब मैं वास्तव में मुझसे पूछना चाहते क्या? जी सर। नहीं, ये तो बड़ी प्रशंसनीय कदम है उत्तर प्रदेश का, और मैं सोचता हूँ कि जैसे कि प्रयागराज जैसे जिले में 3,178 गांव में पूरा सर्वे हुआ है, रैपिड टेस्ट टीम गई है और सभी सर्वेक्षण में पाया है उन्होंने कि 11,000 के करीब केसेस हैं जी, तो उनको बाद में कोरोना टेस्ट के लिए भेजा गया है। इस प्रकार का अभियान अगर चलना शुरू हुआ है, बहुत ही प्रशंसनीय, अति प्रशंसनीय काम है, लेकिन उसको इन्होंने एक नई संज्ञा दी है जो अभी डिटेक्ट हुआ है, इन्फ्लुएंजा टाइप का चीज है। अभी क्या है, लोगों को ड्राई खांसी हो रही है और बुखार आ रहा है, तो ये कहीं कोविड में ना कन्वर्ट हो जाए, तो इसके लिए जरूरी है कि डॉक्टर लोग उसका प्रिवेंशन करें और जो दवाई वहां पे गांव में पहुंचाएं इन्फ्लुएंजा की, क्योंकि अगर ये वायरल भी कहें इनडायरेक्टली, अगर इसका संक्रमण अगर नहीं रुकता है तो ये बाद में 45,000 केस कह रहे हैं गाँव में अभी तक जो टेस्टिंग हुई है, तो वो क्या इसमें इंक्लूड है कि नहीं, जो यूपी सरकार जो फिगर दे रही है? हाँ, प्रतिदिन जो केसेज आ रहे हैं उसमें इंक्लूड अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर इंक्लूड नहीं है तो उनको करना चाहिए। और सब तपाने की बात है, लेकिन इसके बाद ही कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है, गांव बहुत है, तो उसकी पहले से प्रिवेंशन गांव में, मैं सोचता हूँ उनकी जो टीमें हैं उसमें ANM है, आशा बहने हैं, मेडिकल है, लेकिन जो गांव स्तर पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह है, पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, उनको भी इंक्लूड होना चाहिए ताकि सही पिक्चर सामने आए। और जो सरकार चाहती है वो गांव तक जाए, क्योंकि तो गांव में अभी भी टीकाकरण के प्रति एक प्रतिरोध है वो बहुत ही गलत है, एक सामाजिक कुरीति है मैं कहूंगा, लेकिन गांव वाले नहीं समझ पा रहे हैं कि टीकाकरण कराने से ही बात का ऐसा हल है, तो इसके लिए हमें इन टीमों में गाँव के जो प्रतिनिधि हैं उनको सचेत होना चाहिए। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी राशि गाँव पंचायतों के लिए आवंटन की है, तो पंचायतों को चाहिए कि वो राशि
गाँव में छिड़काव करने के लिए, कोविड रोकने के लिए, कोरोना को रोकने के लिए, और इन्फ्लुएंजा हो जो भी बीमारी है उसके रोकने के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले कल में जैसे ऑक्सीजन की तरह कहीं इन दवाओं की कमी ना हो जाए, तो सरकार को चाहिए यूपीटी की प्रत्येक जिला स्तर पर इन दवाओं का भंडारण करें, वो गांव तक विकास खंड तक पहुंचे, क्योंकि बाद में वहां तक पहुंचने में, गांव तक पहुंचने में देरी लग सकती है। ठीक है, तो पहले से इंतजाम करने की जरूरत है। डॉक्टर आशीष भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन दीपक श्रीवास्तव आपसे। ये जो WHO ने तारीफ की उत्तर प्रदेश सरकार की, दरअसल गांवों में ट्रेसिंग का जो अभियान था और उसे लेकर के ये तारीफ की गई है। वाकई में ये अभियान किस तौर पर गोरखपुर में और पूर्वांचल में चला, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें भी आई, आशा बहुओं ने कही कि उनके पास दवाइयों की किट नहीं है, उन्हें जरूरी चीजें मुहैया नहीं कराई गई, असलियत क्या रही, आंकड़ों में क्या निकल करके सामने आया फाइनली? देखिए कुंदन, अगर हम गोरखपुर की बात करें तो सरकार का ये प्रयास वाकई काफ़ी सराहनीय है। गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों में अगर इस तरह की जांच होती है तो निश्चित रूप से इसका असर जो ग्रामीण इलाकों में लगातार संक्रमण सामने आ रहा है उस पर पड़ेगा। लेकिन अभी इस पूरे प्रोग्राम की अगर हम कहें तो मॉनिटरिंग की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आज हमने तमाम गाँवों का निरीक्षण किया, गाँव में हम गए, वहाँ पर लोगों का कहना कि वहाँ पर टीम आई ही नहीं, गाँव के बाहर एक कैंप लगा करके जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं वो बैठ जा रहे हैं, गाँव लोगों से कहा जा रहा है कि आप आकर के टेस्ट कराइए, जबकि ये सरकार का ये निर्णय है कि जो घर हर घर पे जाकर के नॉक करना है, लोगों को पूछना है कि उनको बीमारी है या उनको बुखार है या क्या है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है कि जो कोरम पूर्ति हो रही है उसको रोकना है, क्योंकि सरकार की ये कोशिश है कि हर घर तक जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो पहुंचे, लोगों की क्या बीमारी है, क्या दिक्कतें हैं वो जाने। लेकिन गोरखपुर की अगर हम बात करें, गोरखपुर के तमाम गांव में ये स्थिति सामने आई है कुंदन, कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी नहीं पहुँच रहे, ना आशा बहुएँ पहुँच रहे, ना तो कार्यकर्ती पहुँच रहे, ना ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पहुँच रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार ने ये जो टेस्ट कराने की शुरुआत, क्योंकि अगर हम 900 केस अगर गोरखपुर में हर रोज आ रहे हैं तो 900 केस में 600 केस ग्रामीण इलाकों के आ रहे हैं इसमें कुंदन, गांव में सबसे अधिक संक्रमण इसमें फैल रहा है। इसको रोकने के लिए सरकार की जो कोशिश है वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी और अधिकारी है वो सरकार की कोशिशों पर पलीता लगा रहे हैं, और इस पे मॉनिटरिंग अगर हो जाए तब तो इस पूरे अभियान का अगर हम कहें तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा, नहीं तो फिर ये चीजें सब कुछ कागजों में अच्छी होंगी। बिल्कुल, वास्तव में लोग अभी भी पीड़ित हैं, हर घर में कोई ना कोई सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित है, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हो रही है कुंदन। बिल्कुल, ये सच्चाई अगर है तो बहुत चिंता की बात है। विपक्ष जो कह रहा है क्या उसमें सच्चाई है? डॉक्टर आशीष, सीनियर फिजिशियन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आशीष, पॉलिसी लेवल पर हमने लगातार तारीफ की, सरकार ग्रामीण इलाकों में जानना चाहती है कि दरअसल इन्फेक्शन कितना फैला है, ये जो वायरस है कितने लोगों तक पहुँच गया है। पॉलिसी लेवल पर तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लैप्सेस भी सामने आ रही है। क्या वाकई ग्रामीण इलाकों में इन्फेक्शन को रोकने के लिए बहुत जानना ज़रूरी है कि लोगों का पता लगाया जाए, उन्हें आइसोलेट किया जाए, उन्हें बेहतर इलाज दिया जाए, ठीक किया जाए? ये जो पॉलिसी लेवल पर तो सही है, लेकिन ये नहीं हो रहा है तो कितना चिंता की बात है। अगर मैं एज अ क्लिनिशियन बात करूं तो वाकई ये चिंताजनक है, क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ केसेस देखें, सिर्फ अगर वो सिटीज से कम हो रहे हैं पर रूरल एरिया के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर वो चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। और चिंताजनक इसलिए है क्योंकि अगर आप गांव में जाएं तो आपको ये मालूम चलेगा कि 57% जो डॉक्टर्स हैं वो फेक हैं, तो जो ट्रीट कर रहे हैं उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। कैंप्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कैंप्स नहीं ऑर्गेनाइज कर रही है, गवर्नमेंट अपने तरफ से प्रयास नहीं कर रही है, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे अवेयरनेस की भी कमी देखी गई है। मेरे मित्र हैं, उन्होंने कल मुझे बताया कि वहाँ पर उन्होंने कैंप लगाया गाँव के अंदर टेस्टिंग के लिए, बट पूरे दिन में कोई भी नहीं आया। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हमको ट्रेसिंग के साथ साथ हमको एजुकेट भी करना है। और मेरा एक छोटा सा अपील और है कि गाँव के अंदर कैसे ना कैसे मेडिसिन को हमको पहुँचाना पड़ेगा, जो OPDs की सर्विसेज है उनको बेहतर करना पड़ेगा, और एक छोटा अगर टेम्परेरी हॉस्पिटल गवर्नमेंट सेटअप कर सके तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, जिससे तो गांव वालों को भागना ना पड़े शहर के ओर। बिल्कुल, पीके अग्रवाल साहब, हमें यह बता दीजिए कि आंकड़ों के लिहाज से हम देखें तो बहुत अच्छे आंकड़े आ रहे हैं, ठीक है, अभी 20,000 के आसपास केस बने हुए हैं, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या 30,000 के आसपास है, आंकड़ों के लेवल पर तो ये देख रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से इन्फेक्शन फैला है, जैसा आंकड़े आ रहे हैं, अगर पूरे आंकड़े सामने आ जाए तो ये फिगर बदल सकता है क्या?
हाँ बिल्कुल बदल सकता है, क्योंकि अभी गांव में जो सर्वे हुआ है तो उसमें जहां पे उनको डाउट था वो केस भेजे गए हैं RT-PCR टेस्ट के लिए और उनकी रिपोर्टें नहीं आई हैं जी। तो अगर रिपोर्टें आ जाती हैं एंटीजन टेस्ट वगैरह की, एंटीजन टेस्ट में प्राइम से पाया गया है कि नहीं है इन्फेक्शन, कोरोना नहीं है, लेकिन जब तक वो RT-PCR ना हो जाए तो उसके लिए प्रतीक्षा हो रही है। अगर वो आना शुरू हुआ कोविड का तो एक चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन जो प्रतिष्ठा हो रही है, प्रयोग हो रहा है, जो कोशिश है इतनी जल्दी उत्तर प्रदेश का प्रशासन गांव तक जा रहा है, एक प्रशंसनीय है। लेकिन जो मैंने कहा इनको लोकल लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं सरकारी आंकड़े गलत हो सकते हैं, तो सही आंकड़े आएंगे। और जो पैनलिस्ट ने कहा है कि हम देखिए टेस्टिंग तो ठीक है बड़ी अच्छी हुई, WHO ने कहा लेकिन टेस्टिंग के साथ साथ उसकी रिपोर्ट की इंतजार ना करके हम जो दवाइयों का किट है वो गांव तक पहुंचा दें और गांव में जो ग्राम पंचायत है उसमें ही अस्पताल खोल दें। जहां पे मैंने कहा था बूथ है, जहां पे प्राइमरी स्कूल है वो तो बंद है, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ गांव वाले शहरों में ना जाए, शहरों के बाजार बंद हो, और जो हमने देखा ट्रांसपोर्ट भी चल रहा है आजकल, बसें क्यों चल रही, मतलब मालूम नहीं होता कि इसमें लॉकडाउन है, मतलब लोग इतना घूम रहे हैं शहरों में, बाजार भी तो चार पाँच घंटे के लिए पता चलता है कि लॉकडाउन है, तो थोड़ा सख्ती भी होना चाहिए, लॉकडाउन का समय भी बढ़ना चाहिए और ग्रामीण से लोग शहरों की तरफ ना आए, उनको मास्क मिले गाँव में ठीक है। और वहाँ पे छोटी छोटी अस्पतालों में तो कहता था कि आर्मी भी कुछ गाँव को पिकअप कर ले, आइडियल गाँवों की तरह संपूर्ण हो सकता है ठीक है। दीपक हमें बताइए कि अब तो संक्रमण जो आपने गोरखपुर का हाल बताया 900 नए मामले सामने आ रहे हैं तो 600 ग्रामीण इलाकों से सामने आ रहे हैं, तो व्यवस्था क्या है ग्रामीण इलाकों में, क्या सभी जो ग्रामीण इलाकों में डिटेक्ट हो रहे हैं कोविड पॉजिटिव उन्हें शहरी इलाकों में लाया जा रहा है, क्योंकि जिला अस्पताल और बड़े अस्पताल शहरी इलाकों में हैं, यहाँ पर ही लाया जा रहा है शहरी इलाकों में, या फिर अलग से सरकार कोई व्यवस्था कर रही है ताकि ग्रामीण इलाकों में अगर इन्फेक्शन शुरुआती तौर पर हो तो कम से कम L1 लेवल के अस्पताल वहाँ पर मौजूद हों। देखिए कुंदन, शहर में वो तब आएंगे जब उनका जांच होगा। अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर के सदर अस्पताल से लेकर के और जितने CSC है जहाँ पे टेस्टिंग हो रही है वहाँ की कुल संख्या अगर हम कहें तो 20 जगहों पे टेस्टिंग हो रही है, लेकिन एक टारगेट दिया गया है गोरखपुर के CMO कार्यालय से, उनको टारगेट दिया गया 50 लोगों से अधिक उनको एंटीजन का टेस्ट नहीं करना है, भले वहाँ पर भीड़ 150 से 200 लोगों की हो वापस कर दिया जाता है लोगों को। गाँव के लोग जब टेस्ट कराने के लिए अगर जाते भी हैं तो उनको बताया जाता है कि हमारे पास जो एंटीजन किट है वो नहीं है, तो जब वो किट नहीं है तो जांच कराने से उनको रोका जा रहा है, तो घर पे जाएंगे वो, और कोई ऐसा घर नहीं होगा शायद इस पूरे हम गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों की बात करें जहां पे लोग सर्दी जुखाम और बुखार से पीड़ित ना हो, वो सिर्फ एक उनका आसरा होता है जो गांव के झोला साहब डॉक्टर होते हैं या फिर जो वहाँ पे प्राइवेट जो दुकानें होती हैं मेडिकल की वहाँ से दवा लेते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि ट्रेसिंग ही नहीं हो पा रही कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। सबसे अगर हम कहें तो सरकार को जो ग्रामीण इलाकों में जितने भी अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे तो जो डॉक्टर हैं कर्मचारी हैं उनकी उपलब्धता की निश्चिंतता करनी होगी, साथ ही जो झोला साहब डॉक्टर हैं या फिर जो मेडिकल स्टोर है उनको भी ये बताना पड़ेगा, उनको भी जागरूक करना पड़ेगा कि जो भी अगर आपके पास सर्दी जुकाम बुखार के केसेस आ रहे हैं तो वो कोरोना मानकर उनको इलाज करिए। तमाम गाँव में आज हम गए थे कुंदन, वहाँ पे लोगों का कहना है हमको तो थोड़ा सा बुखार आ रहा है, हमने पैरासीटामॉल लिया है और बुखार का हमको आराम है, लेकिन ये कोविड है या नहीं है उनको नहीं पता है, उनको जांच भी नहीं हुई है उनकी, ना तो कोई RT-PCR टेस्ट हुई ना तो उनका एंटीजन हुआ है। तो एक जागरूकता गाँव में कम से कम इस बात की जगानी चाहिए जो यहाँ गोरखपुर में खासतौर पर नहीं देखने को मिली है, एक एक गाँव में 15 से 20 मौतें पिछले 15 से 20 दिनों में हुई कुंदन, और लोगों को लगता है कि सर्दी जुकाम बुखार से मौतें हुई हैं और उनको ले जाकर के लोगों ने उनका शव जला दिया है, वो जिला अस्पताल तक नहीं पहुंचे हैं और कोविड सेंटर के जो कमांड सेंटर वहां तक की बात तो छोड़ दीजिए। तो सबसे बड़ी बात है कि जागरूकता जगाने की बात है जिसमें अभी तक जिला प्रशासन गोरखपुर का पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है कुंदन। बिल्कुल डॉक्टर आशीष, अगर ये आंकड़े वाकई में सच्चाई ये है जो हमारे सहयोगी दीपक बता रहे हैं, और चूंकि वो बता रहे तो सच्चाई ही है हम इसको मान लेते हैं, तो बहुत भयावह तस्वीर है। अगर आप अस्पतालों को टेस्ट करने की आज़ादी नहीं देंगे तो ये जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा फैलेगा ग्रामीण इलाकों में, और ग्रामीण इलाकों में अगर ये फैल गया तो भयावह स्थिति और भी हमें देखने को मिल सकती है।
सर फैल चुका है, स्थितियां खराब हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं आपके टीवी चैनल के थ्रू कि जो पैरासिटामोल की कीमत 10 रुपये है पूरे स्ट्रिप की, वो 200 रुपये में बिक रही है। फर्जी जो डॉक्टर्स हैं वो लोग अपने ठीक तरह से उनको देख नहीं रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सिर्फ टेस्टिंग या ट्रेसिंग करने से बात सॉल्व नहीं होगी यहाँ पर, हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, और खासकर हम जितना इंटरनली जा सकते हैं, जितने रूरल एरिया के अंदर जा सकते हैं वहाँ पर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेट करना, मास्क पहनने का तरीका। अगर टेस्टिंग, देखिए एक बात, प्रैक्टिकली टेस्टिंग इतनी उस पे, इस लेवल पे करना पॉसिबल ही नहीं है, तो ये ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास कि हम इतने लेवल पे टेस्टिंग कर सकें। सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि अगर इस तरह के सिम्टोमेटिक हमारे पास पेशेंट आते हैं, आप सिम्टोमेटिकली इनको ट्रीट करना स्टार्ट करिए। अगर हम टेस्टिंग में कराने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। बिल्कुल, इवन बेसिक फैसिलिटी मुझे लगता है सीटी स्कैन तक भी कुछ हद तक एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं तो एटलीस्ट एक रूरल एरिया में हम कहीं पे कोई सेंटर पॉइंट पे कम से कम हम सीटी स्कैन तो दे सकें, जिससे कि हमको टेस्टिंग का जो टाइम है वो बचा सकें हम लोग। बिल्कुल डॉक्टर पीके अग्रवाल, हमने देखा उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग की संख्या जो है पूरे देश के हिसाब से देखें तो नंबर वन पर है। करीब करीब 4.25 करोड़ से ज्यादा लोगों के टेस्ट अभी तक किए जा चुके, लेकिन एक साल से ज्यादा का वक्त है, हर रोज करीब 2.25 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये फिगर इनफ है? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, 75 जिलों को अगर देखें तो 2.5 से 3 हज़ार ही टेस्ट हो रहे हैं इस हिसाब से, अगर हम टोटल फिगर को हम देखें तो ये 2.5 से 3 हज़ार अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो इस संख्या को और ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है, तब पता चल पाएगा कि वाकई स्थिति क्या है, जैसा कि डॉक्टर आशीष चिंता व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में हम सब जगह आगे है, पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा आगे है, अगर यहाँ पे इतनी संख्या ज़्यादा होती है तो स्वाभाविक है, इतनी बड़ी जनसंख्या का प्रदेश है। अगर हम कहें कि भारत में सबसे ज्यादा टीकाकरण हो रहा है तो टीकाकरण की आबादी इतनी है, इसलिए इसमें कोई प्रशंसा की बात नहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार बार बार कहती है कि हमने इतना वो किया, इतना बड़ा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बड़ा प्रशासन है, गांव तक फैला हुआ है, तो और बढ़ाना चाहिए इनको, जो औसतन है औसतन देखना चाहिए वो कितने लोगों तक पहुंच सके। तो मैं सोचता हूं कि और भी बढ़ाने की आवश्यकता है, और प्रशासन जाग उठा है उत्तर प्रदेश का, बड़ा सक्षम प्रशासन है, बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है। देखिए अब जैसे मैंने झांसी में देखा, वहाँ भी इस तरह का इंफ्लुएंजा के केसेस गांव में आ रहे हैं कि लोगों को ड्राई, तो मतलब जिलों में इस प्रकार का ये सीजन भी खराब है, वैसे भी लोगों को बीमारियां होती थी, इतना पहले खोने की जरूरत नहीं है। सर अग्रवाल, सर एक 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 छोटा सा जवाब मुझे दे दीजिए, कहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि आप तो प्रशासन का हिस्सा रहे, आप बहुत बहुत बेहतर तरीके समझते हैं कहाँ पर ये गड़बड़ी हो रही है जो दीपक बता रहे हैं, और जो पॉलिसी लेवल पर हम बातें करते हैं और जो मुख्यमंत्री ने पॉलिसी बनाई जिससे कहा गया कि इम्प्लीमेंट कीजिए, मुख्यमंत्री 24 घंटे में 18 घंटे ऐसा लगता है काम कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पर चूक हो जा रही है कि ऐसी लापरवाही हो रही है? नहीं देखिए, लापरवाही नहीं, यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, प्रत्येक जगह एंटीजन टेस्ट की किट जाना चाहिए है, और प्रत्येक जगह इतनी औषधि जाना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही, पैरासिटामोल की शॉर्टेज हो जाएगी, तो ये जो संसाधन है जिस प्रकार से बीमारी फैल रही है उस हिसाब से हमारे पास कम है वो संसाधन। अभी जैसे अब पूरा देश जैसे ऑक्सीजन के प्रति जागृत हुआ, वैसे अब देश को पैरासिटामोल के प्रति जागृत होने की आवश्यकता है एडवांस में, क्योंकि इस प्रकार की परिस्थिति बाद में आ सकती है, तो मतलब एक्चुअली आजकल डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, ये बड़ा स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि इस तरह का हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, एंटिसिपेट नहीं किया था। ठीक है सर, किसी की कोई भूल नहीं करेंगे हम, ठीक है, लेकिन हाँ हम लोगों को कदम उठाना चाहिए अब इसको ठीक करने के लिए, युद्ध स्तर पर कदम उठाने की अभी भी जरूरत है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ये जो वायरस है वो फैल चुका है। डॉक्टर आशीष, आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहता हूँ, 17 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, या तो फर्स्ट फेज का या सेकेंड डोज भी लग चुका है। पहले जब कोरोना आया तो हम कह रहे थे कि भाई 20 से 30 करोड़ लोगों को भी अगर वैक्सीन लग गई तो जो चेन है कोरोना की वो टूट जाएगी, इतना फैलाव नहीं होगा। ये नंबर कितने तक जाएगा तब, 17 करोड़ का जो नंबर है कितने तक जाएगा तब ये जो चेन है कोरोना की वो बन नहीं पाएगी? मैं कहूँ थोड़ा सा अगर हम ये सोच कर चलें कि जो 17 करोड़ को वैक्सीनेशन हुआ है, प्रॉब्लम ये है कि वैक्सीनेशन सिर्फ होना आपके अभी तक भी डिजीज सिम्टम्स को कम कर सकता है, इंटेंसिटी को कम कर सकता है। कोविड के चेन तोड़ना है तो आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो अपनाना ही पड़ेगा, आपको मास्क पहनना ही पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो ही करनी पड़ेगी। अगर वायरस इन फ्यूचर फर्दर रेप्लिकेट होता है तो हो सकता है उस हर्ड इम्यूनिटी को भी तोड़ दे, और एटलीस्ट हमको 70% पॉपुलेशन को चाहिए जिससे हम लोग एटलीस्ट हर्ड इम्यूनिटी को हम पढ़ सके, पर ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा टारगेट है और इसमें काफ़ी समय जाएगा। बिल्कुल,
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशीष न्यूज स्टेट से बातचीत करने के लिए अग्रवाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और दीपक हमारे साथ जुड़े थे गोरखपुर से हमारे सहयोगी उनका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो कोरोना के खिलाफ इस वक्त वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है लेकिन वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार ने चिंता बढ़ा रखी है। कोरोना को रोकने के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना लेकिन हर जगह वैक्सीन की किल्लत है। कई राज्यों ने 18 साल से ऊपर के लोगों की वैक्सीनेशन को लेकर हाथ भी खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार के साथ कोरोना से हम कैसे लड़ेंगे। तीसरे चरण को शुरू हुए 10 दिन बीत चुके हैं लेकिन 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही। हर जगह वैक्सीन के लिए मारामारी है। वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी कतारें रोज दिख रही। ये तस्वीर है वैक्सीनेशन सेंटर की। सुबह से ही जिनको स्लॉट मिल जाता है वो लाइन में लग जाते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं ताकि जल्द से जल्द इनका वैक्सीनेशन हो जाए। ये 18 से 44 साल के युवाओं के लिए जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए उनमें से एक है। हर दिन यहाँ तस्वीर नज़र आती है। आज 200 का टारगेट यहाँ तय किया गया यानी कि 200 लोगों का यहाँ वैक्सीन कराया जाएगा और ये लगातार आते हैं। आज हालांकि मौसम थोड़ा ठीक है लेकिन अगर गर्मी भी हो तब भी लोग परवाह नहीं करते हैं। राज्य सरकारें कह रही हैं कि उन्हें वैक्सीन की डिलीवरी नहीं मिल पा रही इसलिए वैक्सीनेशन में देरी हो रही है। जहां वैक्सीन पहुंची वहां स्टॉक खत्म होने वाला है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कुछ ही दिन का स्टॉक बचा है। अभी हम 1.25 लाख डोज रोज वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इसको जल्दी हम रोज 3 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 3 महीने में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीनेशन लगा दिया जाए। लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है और वो है वैक्सीन की कमी की। दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है और ये समस्या देशव्यापी है। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। महाराष्ट्र में भी वैक्सीन की किल्लत है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आज कहा है कि वैक्सीन की कमी की वजह से 18 से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन फिलहाल रोकना पड़ सकता है। हमने सीएम साहब से बात करके वो निर्णय अभी लिए हैं कि जो भी 18 से 44 साल के हमारे पास करीबन 3 लाख डोसेस उपलब्ध है वो हम अभी पूरा स्टॉप करके 45 साल के जो सेकेंड डोज है उसके लिए यूज करने का आदेश स्वास्थ्य विभाग ने महाराष्ट्र के सभी सेंटर्स को दिया है। रहा सवाल 18 से 44 साल के उम्र के लोगों के लिए, हम तो वैक्सीन खरीदना चाहते हैं, दुनिया के बाजार से भी खरीदना चाहते हैं लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रहा है इसलिए उसको हमारे को थोड़ा गो स्लो करना पड़ेगा। तीसरे चरण में हर राज्य से वैक्सीन की कमी की खबर आ रही। केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल सरकार भी मौजूदा वैक्सीनेशन नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में अपनी वैक्सीनेशन नीति का बचाव किया। कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि केंद्र वैक्सीन की 100% खरीद खुद क्यों नहीं कर रहा। इसके जवाब में केंद्र ने कहा है कि उसने 50% वैक्सीन की खरीद खुद करने की नीति बहुत सोच विचार कर बनाई। साफ है कि केंद्र सरकार वैक्सीनेशन नीति को बदलने के मूड में नहीं है। देश में इस वक्त सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक सिर्फ 2 ही कंपनियां वैक्सीन बना रही है। हर महीने सिर्फ 6 से 7 करोड़ वैक्सीन बना पा रही है। सवाल ये कि आखिर ऐसे में जल्द से जल्द 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन कैसे संभव हो पाएगा। तो वैक्सीन की कमी अभी बनी हुई है। सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि वैक्सीन उपलब्ध हो लोगों को लेकिन तब तक अपना ख्याल रखना पड़ेगा। वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, जैसा कि डॉक्टर बता रहे हैं। हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।